हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। चलिए नेक्स्ट आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं सर। आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बर सोर्सेस से जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? हाय गौरव, कैसे हैं आप? विवेक, गुड आफ्टरनून। चेतन, आवाज़ आ रही है? गुड आफ्टरनून। चलो आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, गुड आफ्टरनून एवरीथिंग। एंड नाउ क्लास की शुरुआत करते हैं सर, कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल सोर्सेस पे जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होने वाले हैं, बिकॉज अभी कल हमने कराया था डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन कराया था, आज हम आपको इससे करा रहे हैं 45 क्वेश्चंस। कल की क्लास में हम लोग सिटीजनशिप से 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद से जुडिशरी स्टार्ट हो जाएगा, फिर पंचायतें स्टार्ट हो जाएगा, फिर आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अलग अलग टॉपिक से हम आपको कराने। ठीक है, यस। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करेंगे जो भी क्वेश्चंस है आपने अभी तक, जो भी लास्ट के 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर में जो भी पॉलिटी आपने पढ़ा है उस बिहाफ पे आप आंसर अपना देंगे, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस हो सके हर एक टॉपिक वाइज। जो कि आपको पता है कि ये जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ, इन सब टॉपिक्स से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट के अगर आप उठा के देखो, 20 के, 21 के पेपर दोनों देखो, तो उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड 2008 में, 9 में, 10 में भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो इन्हीं सबको सोर्सेज बनाते हुए मैंने टॉपिक को क्या किया है, सेलेक्ट किया है, और उन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, बना के लाते हैं कि हाँ चलो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। ठीक है, हाई है जोश, चलो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल एक ही पार्ट है, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। मिसल रतन कुमार मेंटर फॉर करेंट अफेयर एंड जीएस। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं, रतन कुमार सर्च करने पे मैं आपको मिल जाऊंगा। ये टेलीग्राम चैनल है, जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल को, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, आइकॉनिक में क्या क्या बेनिफिट होता है ये ध्यान रखिएगा। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस दी जाती है, टेस्ट एनालिसिस होते हैं, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन दी जाती है, स्टडी मटेरियल्स होते हैं और स्टडी प्लानर्स होते हैं, ये सभी मिलते हैं सर इसमें आइकॉनिक में। और अगर आप प्लस का लेते हैं तो लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्स कोर्स होते हैं, अनलिमिटेड एसेस होते हैं और वीकली टेस्ट होते हैं। लाइक आइकॉनिक लेने पर आपको दोनों मिल जाते हैं, प्लस भी मिलते हैं और आइकॉनिक भी मिलते हैं। बट अगर प्लस केवल लेते हैं तो ओनली आपको ये चारों फीचर्स आपको मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ मैंने देखा है चेतन, मैं जो बहुत जल्दी शेयर करूँगा। ठीक है, रिजल्ट तो आ ही गया है, कल ही आया है, लाइक 8 साढ़े 8 बजे के समथिंग कल आया है, तो वो मेरे पास है, वो जल्दी मैं आपको शेयर करूँगा ग्रुप पे। ठीक है, और अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, आप इस आर लाइफ कोड को अप्लाई करते हैं, तो सर आपको 10% का अनअकैडमी की तरफ से डिस्काउंट मिलता है। एज इट इज सेम, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे और इस कोड को अप्लाई करेंगे तो सर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बेनिफिट उठाइए। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चंस है वो सब बताएंगे चेतन, डोंट वरी। पहले क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, देन हम उसकी पीडीएफ ग्रुप में शेयर करेंगे और आपको बताएंगे मेरिट कितनी गई है, कितनी नहीं गई है, फाइनल एक वीडियोस बना के। ठीक है, चलेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना को संविधान से उधार लिया है। किससे लिया हुआ है? यूएस से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है या सर यूके से लिया गया है? किससे लिया गया है ये बताना है सर, जल्दी से। कनाडा से लिया गया, वेरी गुड। चलो कनाडा से तो हमने मान लिया, चलो लिया गया, लेकिन अगर हम आपको ये बोले कि सर फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बातें करें, वॉज टेकन बाय किसके द्वारा लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज कोई बता सकता है? फंडामेंटल ड्यूटीज किस कंट्री से लिया गया?
ये तो हमने देख लिया सर, क्या देख लिया सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम देख लिए, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बातें करें तो किससे लिया गया है सर, यूएसएसआर से। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर पूछेगा तब तो आप कनाडा बोल दोगे, लेकिन ड्यूटीज़ के बारे में बोलेगा तो आप यूएसएसआर बोलोगे, ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशंस क्लोजली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ भारतीय संविधान, निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की बारीकी से पालन करता है, किसकी, कौन से कंट्री के, यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड या रशिया, ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही क्लोजली फॉलो करता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ यूके या स्विट्जरलैंड या रशिया या यूएसए, किसके, यूके, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है चेतन, बहुत अच्छा। सभी बच्चे आंसर करो, अगेन मैं कह रहा हूँ जितने सारे बच्चे लाइव हैं सभी लोग रिप्लाई करिए, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो एक हेजिटेशन है कि हाँ ये गलत है कि सही है वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, प्लस आपके स्कोर्स पता चलेंगे कि हाँ सर हम इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए बट इतना ही सही हुआ। तो आप इससे एक चीज़ कर सकते हो कि भाई चलो आगे के लिए हमारे को ये तैयारी करनी है, या इसी कंटेंट को लेके बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ उसको अच्छे से तैयार कर लोगे। तो कोई बैठो मत, रिप्लाई करो, सभी को बेनिफिट मिलेगा क्लास में, बैठने से कोई फायदा नहीं है, बैठना तो हर जगह होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन, क्वेश्चन देखो ये भी बहुत अच्छा है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए एक क्या है, समान है, इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू द बोथ इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन, सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल जुडिशरी है, थ्री लिस्ट ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, या फेडरल सुप्रीम कोर्ट एंड इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट आंसर क्या होगा। विवेक ने आंसर दिया था इसके पहले वाले का सी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, चेतन एंड विवेक और सभी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सभी रिप्लाई करिए और कोशिश करिए सेशन को लाइक करने का। बहुत अच्छा चेतन, बहुत अच्छा, ग्रेट। अगर सेशन आपको लग रहा है कंटेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप अपने दोस्त सर्कल्स एंड सभी को शेयर भी कर सकते हैं। मानिनी गलत हैं, बिल्कुल गलत आपने आंसर दिया हुआ है, डुअल जुडिशरी नहीं होगा, दोहरी न्यायपालिका नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा है, कॉमन फीचर पूछा हुआ है इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में पूछा हुआ है ना। तो आपने डुअल जुडिशरी कैसे लगा दिया, करेक्ट आंसर सर क्या होगा, फेडरल सुप्रीम कोर्ट, एक संघीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने के लिए दोनों का कॉमन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा जो कि चेतन ने दिया हुआ है, ठीक है। रंजन कुमार आपने भी गलत जवाब दिया है, भाई पढ़ाई करो, क्वेश्चन बहुत इजी इजी है लेकिन गलत कर रहे हो। इंस्पिरेशन ऑफ द लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी वॉज ड्राइव फ्रॉम, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की प्रेरणा किससे ली गई है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से ली गई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई है, रशियन रिवॉल्यूशन से ली गई है, या इनमें से किसी से नहीं लिया गया है। आराम से सोच के करना, ये क्वेश्चन 2009 सीरियस 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टनिटी जो है ना कहाँ से ड्राइव की गई है, अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन या इसमें से किसी से नहीं। कृति मिश्रा क्वेश्चन सही से इसलिए नहीं दिख रहा है कि आप अपनी रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, आपकी जहाँ पे वीडियोस है ना, मैं आपको जहाँ पे देख रहा हूँ, जहाँ मेरी इमेज है उसके ठीक ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए और वहाँ पे जाके आप अपनी वीडियो की क्वालिटी जो है ना उसको एडवांस पे क्लिक करिए, और वहाँ से जाके आप अपनी जो फीचर है 1080 पिक्सल पे कर लीजिए। अभी आपका 144 पे होगा इसलिए आपको क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रहा है, सभी बच्चे 1080 पे कर लीजिए, जिससे क्या हो कि आपको वीडियोज़ की जो क्वालिटी है वो एकदम बेस्ट दिखाई देगी, ठीक है। हाँ, वीडियो क्वालिटी को अच्छा कर लीजिए, साफ दिखाई देगा। विवेक ने कहा है बी, फ्रेंच है, तो करेक्ट आंसर क्या है सर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, जिसका जो मोबाइल सपोर्ट करे वो आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा, चलिएगा। इंडियन प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर द रिप्लाई ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री, भारतीय, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस देश के राज्यों के प्रमुखों की प्रतिकृति हैं, ब्रिटेन के, यूएसए के, आयरलैंड के या सर रशिया के, कौन से कंट्री के हैं ये पूछा जा रहा है। रिप्लाई ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री,
ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड या सर रशिया। चेतन ने कहा है ब्रिटेन। ओके, और कोई बच्चे आंसर करिएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, सभी जितने सारे क्लास में हो सभी रिप्लाई करो, बेनिफिट आपको मिलेगा। आपने जो भी 6 महीने, 3 महीने, साल भर में तैयारी करी है, 2 साल, 4 साल में, वो चीज़ यहाँ पे निकलनी चाहिए कि हाँ सर हमें पता है पूरे क्वेश्चंस की क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल सोर्सेस हमारा तैयार है। अगर तैयार है तो आंसर करो, बैठ के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। दिन भर तो बैठ के हज़ारों वीडियो देखते होगे, कम से कम अभी तो अपने आप को प्रैक्टिस करो, पेपर है 1 हफ्ते बाद। चलो आगे, 15 का रंजन कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, 5वें का ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन हैज़ द नेम, ध्यान रखिएगा, हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश मोनार्च का है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का है, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्त का है, या प्रेसिडेंट ऑफ रशिया का है। जैसे भारत के जो भी अधिकार्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो कैसे हैं, ब्रिटिश मोनार्च की तरह है या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की तरह है, इजिप्त की तरह है या सर रशिया की तरह है। जल्दी से, वेरी गुड, बहुत अच्छा, किससे सर, ब्रिटिश मोनार्च, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है रंजन, बहुत अच्छा चेतन, बहुत अच्छा। और सभी बच्चे आंसर करिए और सेशन को एक बार लाइक भी करते चलिएगा, सभी बच्चे जो भी बच्चे क्लास में आ रहे हैं कोशिश करिए सेशन को लाइक करने का। चलिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, इसमें से क्या डिस्क्राइब्ड करता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, बताइएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, फंडामेंटल राइट्स बताता है, 9th शेड्यूल्स बताता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल बताता है जिसे हम लोग डीएसपी कहते हैं, या प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। करेक्ट आंसर क्या क्या होगा, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल सोर्सेस को पढ़ रहे हैं, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो ये बताता है कि हमारा जो इंडिया है वो एक सेकुलर स्टेट है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा, गुड, चलिएगा, यहाँ पे कह रहा है इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द, सरकार के संघीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं, किसमें होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, किसमें होती है, जल्दी से आंसर करिएगा। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, किसमें होती है। ओके, प्रीति कह रही है सर ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट में है, चेतन कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड चेतन, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है सर, किसमें होती है सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आप लोग अभी भी देखते हो ये चीज़ें, किसके पास पावर होती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पास सब कुछ, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी एवरीथिंग डिसीजन होती है वो प्राइम मिनिस्टर ही तो करते हैं कि हाँ कोई ये चीज़ें इस राज्य में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोविड में एवरीथिंग सब कुछ आप देख रहे थे, तो भी तो आप आंसर कर ही सकते थे, ए या डी में नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ध्यान रखना, प्रीति गलत बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे नॉट लगाया है, नॉट अ बेसिस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कौन सा ऐसा जो फीचर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, बेसिस फीचर की बातें कहा है, मूल विशेषता की बातें कहा है, प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट तो ये शायद है कि नहीं है, हमें नहीं पता, आप बताओगे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये भी है कि नहीं है वो आप बताओगे, फेडरल गवर्नमेंट तो ये तो सर है हमें पता ही है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये भी सर है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इन दोनों में क्या हो सकता है आंसर, जल्दी से बताइएगा। अरे यहाँ पे क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो बेसिस फीचर है ना, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट तो बेसिस फीचर है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ये भी है सर, कौन सा नहीं है, चेतन आप पहले पढ़ो ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है नॉट, पूछा है नॉट अ बेसिस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी है सर हमने देखा हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट होता है वो नहीं है, राष्ट्रपति सरकार, राष्ट्रपति सरकार कहाँ है सर, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, संसदीय सरकार तो है ही है, हमारा पूरा ग्रुप है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सर नहीं है, बेसिस फीचर में नहीं आते, ध्यान रखिएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट,
अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द, जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट्स हैं ध्यान रखिएगा उनके सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, लाइक एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द टू जुडिशरी, या एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर्स या रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यहाँ पे लिखा हुआ है और लेजिस्लेचर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, मतलब जो कार्यपालिका होती है वो न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब कार्यपालिका उत्तरदायी है न्यायपालिका के, या कार्यपालिका विधायिका के उत्तरदायी होती है, या न्यायपालिका कार्यपालिका के उत्तरदायी होती है, या विधायिका कार्यपालिका के उत्तरदायी होती है, करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रीति ने कहा है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नहीं कृति, जो हमारे कार्यपालिका होते हैं ना वो हमेशा और हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, मतलब एग्जीक्यूटिव जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए सर, लेजिस्लेचर के लिए, कार्यपालिका जो होते हैं विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कुछ भी होता है तो वो रिप्लाई इसका करते। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सर, करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन इंडियन यूनियन हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीडीएस में पूछा गया है, वो भी मेनी टाइम्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़ लीजिए, अगेन मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल बोला हुआ है और प्रोविजन सोर्सेस बोला हुआ है, मतलब ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें दी गई हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं ये आपको बताना है। लाइक फेडरेशन, तो फेडरेशन कहाँ से लिए गए हैं, पार्लियामेंटली जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, और फंडामेंटल राइट है, ये सब चीजें कहाँ कहाँ से ली गई है, यूएसए से, ब्रिटेन से, कैनेडा से, या आयरलैंड से। अब आपको एक चीज तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सर पता है, क्या पता है सर, जो फंडामेंटल राइट है सर ये हमने बहुत अच्छे से सर पढ़ा हुआ है। फंडामेंटल राइट किससे लिया गया, यूएसए से सर लिया गया है, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को। तो फंडामेंटल राइट किससे लिया गया सर, यूएसए से लिया गया, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा कट गया, बचा फर्स्ट थर्ड और ये, तो किसका करेक्ट आंसर सर क्या होगा 11 का। उसके बाद अगर हम बातें कर ले डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किससे लिया गया सर, आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पार्लियामेंटली किससे लिया गया सर, ब्रिटेन से लिया गया, सिंपल सी बातें हैं ये तो सभी जानते हैं। और फेडरेशन जो लिया गया सर ये कैनेडा से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, करेक्ट थर्ड हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर ये सब क्वेश्चंस भी आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका नुकसान है। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि सभी बच्चे रिप्लाई करो, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी बैठ के पिक्चर देख रहे हैं या केवल ऑडियो सुन रहे हैं, कुछ सिलेक्शन फलेक्शन नहीं होगा, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई करनी है तो कम से कम रिप्लाई करो, रिप्लाई करने से ये होता है कि हाँ जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो मतलब साइकोलॉजिकली हमारे अंदर क्या होता है कि एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो कोई चीज़ आती है तो वो लगता है कि यार मैंने कहीं रिप्लाई करी थी या ऐसा कमेंट्स किया था, ये चीज़ें माइंड में जब आती है ना तो चीज़ें रिजर्व होती है, चीज़ें याद आती है, लर्न होती है कि हाँ हमने करी थी, ये आंसर है इसका। अब बैठ के ऐसे करोगे तो बैठ के दिन भर मूवी भी देखते होगे घर में, है ना, तो मूवी भी देखते होगे, तो 4 दोस्त होते होंगे, 2 दोस्त होते होंगे या कोई भी होगा तो मस्ती करते होगे, या अकेले भी देखते होगे ना, तो जब दोस्त से मिलते होगे ना तो उससे उससे वो चीज़ शेयर करते होगे, अरे हाँ मैंने देखा था मूवी, ये चीज़ें हुई थी इसमें, तो वो शेयर किया तो चीज़ें रिमेंबर हो गई कि हाँ हमने किसी से शेयर किया हुआ है। तो अगर अभी बैठे हो ना तो रिप्लाई करो, जिससे क्या होता है माइंड में चीज़ें बैठी रहेंगी कि हाँ हमने कहीं बैठा था, करा था, ये चीज़ें प्रैक्टिस करी थी, ये एवरीथिंग अगल बगल घूमता रहता है हमारे माइंड के जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं। हाँ बहुत अच्छा चेतन, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, चलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान जर्मनी के विमर्श संविधान से लेता है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द विमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आपको बताना है, आइडिया ऑफ अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, या मेथड ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, इमरजेंसी पावर हो गया, या प्रोविजन कॉन्शर्निंग द सस्पेंशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ निहारिका आंसर करना क्या होगा, चेतन आंसर करना क्या होगा, सभी बच्चे आंसर करो जिससे आप ही को बेनिफिट होगा, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मेरा क्या है मैं तो क्वेश्चन लेके आता हूँ, बेहतर क्वेश्चन, एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूँ कि आप सभी को इसका बेनिफिट मिले। वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन ए और डी पे लाग जा रहे हैं, विवेक जी कह रहे हैं डी, चेतन कह रहे हैं सर 12 का ए, रूपा कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी। ओके और कोई आंसर देना चाहता है, बिल्कुल सही है, रूपा ने भी आंसर सही दिया है, चेतन ने आंसर गलत दिया है आज, निहारिका ने गलत दिया हुआ है, रूपा ने बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट आइएगा,
मैचिंग द फॉलोइंग आपको फिर से करना है, मैच कराना है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल दिया हुआ है और फीचर सोर्सेस दिया हुआ है, इनके जो फीचर सोर्स है लिए गए कहाँ से, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है आपको ये बताना है, जर्मन है, ऑस्ट्रेलियन है, आयरिश है या सर ब्रिटिश है, कहाँ से लिया गया है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अभी जस्ट हमने चौथा वाला किया है, अगर आपने देखो लास्ट वाला क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया है, ये वाला सस्पेंशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले वाला, तो उसके बिहाफ पे आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हो 13 का। अरे भाई आराम से पढ़ के आंसर करो ना, अभी जस्ट तो ये देखा है ना, अभी जस्ट तो हमने लगाया है ये वाला। यहाँ पे क्या बोला, डज, यहाँ पे लिखा है फीचर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो, ठीक है, तो आराम से जर्मनी यहाँ पे लिखा है, तो सोच समझ के आंसर करो यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ अब जाके आंसर आया, ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, बी होगा। क्या कर रहे हो, इतना इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही गलती करो आप लोग। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, यहाँ पे फीचर गया है एंड दियर सोर्सेस इज रॉन्गली मैच्ड, गलत मिला हुआ है, फीचर्स है और रॉन्गली मैच है, करेक्ट आंसर क्या होगा, जुडिकल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिसेस से लिया गया, आई डोंट नो हमें नहीं पता है, कॉन्करेंट लिस्ट अभी जस्ट हमने पढ़ लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया हमें भी नहीं पता है, डीपी या फंडामेंटल राइट्स, जल्दी से आंसर करो क्या होगा। निहारिका आंसर क्या होगा, रूपा कह रहे हैं सर पटेल ए, वेरी गुड सर, चेतन कह रहे ए, ओके, और कोई, सभी बच्चे आंसर करो, विवेक कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए, चेतन भी कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए, तो हम भी कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मतलब ये क्या है, गलत मिला हुआ है, ब्रिटिश से नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्पायर्ड द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ अ रूल ऑफ लॉ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अ लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, मतलब कह रहा है यहाँ पे कि, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि, जल्दी से यहाँ पे देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान ने कानून के शासक, संसदीय प्रणाली और कानून बनाने की प्रक्रिया की भारतीय अवधारणा को प्रेरित किया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, कैनेडियन ने किया हुआ है, या ऑल ऑफ द एवब, सभी ने किया हुआ है, किसने किया हुआ है, जल्दी से बताइएगा। विवेक भैया आंसर बताइए, चेतन जी आंसर बताइए, दीपिका आंसर बताना, रंजन आंसर बताना, निहारिका आंसर बताना, ब्रिटिश लॉ, ओके नाउ, और सभी आंसर करो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डी, रूपा कह रही है डी, वाह एक ने आंसर दिया, सबने देना है डी, ऑल ओवर, वाह वाह वाह, कहाँ से आए हो, मतलब सबका हो जाएगा इसमें, डी, निहारिका डी, दीपिका डी, वाह सही है, ब्रिटिश होगा, एक ने क्या डी बोला था, सब के सब चल दिए, एक ने बोला हमको कुएं में कूदना है, आ जाओ, सब बोलेंगे भाई सीडीएस एग्जाम का पेपर वहीं मिल रहा है, हम भी आ रहे हैं, सबके सब वहीं कूद जा रहे हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट आंसर होगा, ऐसे ही गलती करो आप सभी। नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज द यूनिटरी गवर्नमेंट, मतलब कह रहा है कि भारत के संविधान को एकात्मक सरकार के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, इन नॉर्मल टाइम्स या टाइम्स ऑफ इमरजेंसी के टाइम्स में किया गया था, व्हेन द पार्लियामेंट सो डिजायर उस टाइम किया गया था, या एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर किया गया था, कब किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज द यूनिटरी गवर्नमेंट, जल्दी से बताना, सब साथ में रिपीटेड है हमारा, हाँ 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 हाँ, जब पहुँचोगे ना वेल के पास, कुएं के पास, वहाँ पीछे वाला बोलेगा अरे दिख गया, सब के सब डूब गए, ऊपर पानी में भी नहीं आए, मतलब ये सब गलत डायरेक्शन में है, वो बगल वाला निकल के सिलेक्शन ले लेगा, समझ में आया, तो इसीलिए भैया फ्रंट पे चलना गड़बड़ है, बी बी बी, ऑप्शन नंबर बी, सभी कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल सही है, आज की दुनिया बड़े खतरनाक है, दोस्त दोस्त के नहीं होते, ये दोस्त यहाँ जा रहे हैं ना, दूसरा वाला देखेगा यहाँ पे आके पहले देखेगा, अच्छा कुएं में देखे है कि नहीं, दोस्त बचा है कि नहीं, देखेगा नहीं बचा, अरे हटाओ यहाँ से निकलो, आगे निकल जाएगा, ऐसी कंडीशन हो गई है अभी। हाँ आप पकड़े, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, अब यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिसेम्बल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से
कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से मिलती जुलती नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है डज नॉट रिसेम्बल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ये तो हमारा रिटन ही है, अनरिटन तो है नहीं, ये तो सही है। चलो, लेकिन बोलता है फेडरल फ्रॉम गवर्नमेंट, ये भी सही है सर। फंडामेंटल राइट सर, ये भी सही है सर। तो सर क्या सभी सही है क्या? यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यही तो गलत है रतन सर, यही वाला नहीं होगा, बाकी तो सब सही है। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड एवरीबॉडी, बहुत अच्छा, ग्रेट। अरे भाई, इतने सारे बच्चे हो, कम से कम लाइक तो कर दो। अभी वंस में चल रहा है, टेंस में तो लाइक कर दो, ठीक है? लाइक भी नहीं कराए ममता, वेरी गुड बेटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आइएगा। अब यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल, मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना से स्पष्ट रूप से निकलता है। When the constitution was enacted, या ideal that were to be achieved, या system of government, या source of authority, करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या चारों होंगे, क्या केवल फर्स्ट और सेकेंड होगा, या सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ होगा, या वन सेकेंड एंड थर्ड होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? कृति कह रही है सर ऑप्शन नंबर सी, वन सेकेंड एंड थर्ड होगा। ओके नाउ, और कोई? हमें तो चारों दिख रहा है। चेतन एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल बोला हुआ है ना, मतलब प्रस्तावना जो है वो स्पष्ट रूप से किससे मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड, बिल्कुल सही, जब संविधान बनाया गया था, बिल्कुल करेक्ट है सर। और आइडियल दैट वर टू बी द अचीव्ड, मतलब जो आदर्श है वो क्या है, प्राप्त करना था, ये भी बिल्कुल सही है सर। सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की व्यवस्था, बिल्कुल आता है सर उसके अंदर हमारा, क्लियरली है। और सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, ये भी है सर। तो हमारे को तो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, एक बार पढ़ो तो सही। हाँ चेतन, बिल्कुल, अब जाके सही आंसर दिया है आपने। हमारे को चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक बार पढ़ो। हमने अगेन आपको कहा है कि जो आपके सीडीएस के पेपर्स होते हैं ये सेट करता है यूपीएससी, ध्यान रखिएगा। और पेपर्स को सेट करने का तरीका क्या होता है, आपको इन सब सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होता है। मैंने हमेशा कहा है कि जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं उसको आराम से पढ़ो, नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज में आंसर गलत करोगे, ये बहुत ही क्लोजली बनाते हैं आंसर। अगेन मैं कह रहा हूं, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चीज समझाने कह रहा हूं, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, और बहुत क्लोजली आंसर बनते हैं इसके। नेक्स्ट आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रियम्बल इज करेक्ट, प्रियम्बल को लेके कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आराम से सोच के, फिर से मैं कह रहा हूं, आराम से पढ़िएगा स्टेटमेंट, फिर आंसर करिएगा, नहीं फिर गड़बड़ करोगे, ठीक है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। क्या है, आपने सुना है प्रियम्बल जो ऐसा चीजें है, क्या आपने सुना है ऐसा होता है क्या? यहाँ पे बोला स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रियम्बल इज करेक्ट, क्या ये करेक्ट है? पहला वाला स्टेटमेंट इनफोर्सिबल इन द कोर्ट लॉ, यही तो हमारे को गलत दिख रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे को ऐसे ही दिख गया। फिर सी कह रहे हो, यहाँ क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर रिगार्डिंग द प्रियम्बल इज करेक्ट, प्रियम्बल इज करेक्ट बोला हुआ है, करेक्ट बोला हुआ है, तो ये गलत दिया हुआ है ना। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए देखो सही दिखाई दे रहा है मेरे को, क्या कर रहे हो? इट इज नॉट इनफोर्सिबल इन अ लॉ, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना। सी पे कहाँ चले जा रहे हो, बी पे कहाँ चले जा रहे हो, हमारे को पहले ही ऑप्शन दिख गया तो नीचे जाने की जरूरत ही क्या है? ऐसे ही गलती करो, जल्दबाजी में केवल आंसर दो आप सभी। मैं अगेन कह रहा हूं, अपने आप को कॉन्स्टेंट करो, सेंटेंस को आप पढ़ो, आप एग्जाम में 1 मिनट का समय होता है, और फिर आंसर करो। जल्दबाजी में सब गड़बड़ कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ा करो कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिर आंसर करिए। नेक्स्ट आइएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडिया आइडियाज ऑफ अ प्रियम्बल फ्रॉम द, भारतीय संविधान से प्रस्तावना के विचारों को उधार लिया गया है। किससे लिया गया है सर? इटालियन से लिया गया है, कैनेडियन से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है, या यूएसए से लिया गया है? करेक्ट आंसर सर क्या होगा? इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कैनेडियन होगा, फ्रेंच होगा, या यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, करेक्ट आंसर क्या होने वाले हैं? ये जितने सारे मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ 2 दिन से, कल मैंने कराया था किसका सर, डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कराया था, उसके 60 क्वेश्चन कराए थे,
बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक दो क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। आज हम आपको करा रहे हैं 45 क्वेश्चन, किससे करा रहे हैं सर? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल सोर्सेस से करा रहे हैं। कल जो मैं कराऊंगा आपको वो कराऊंगा सर सिटीजनशिप से कराने वाला हूँ, और फंडामेंटल ड्यूटी से कराने वाला हूँ, और सर फंडामेंटल राइट से कराने वाला हूँ। ये सभी क्वेश्चन कल 12 PM पे होने वाला है। कितने क्वेश्चन होंगे सर? 100 क्वेश्चन होंगे। ये 100 क्वेश्चन करने के बाद सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद वाला टॉपिक जो होगा वो हमारा क्या होगा सर? आर्टिकल होगा। उसके बाद सर क्या होगा? प्रेसिडेंशियल लॉ होंगे, और उसके बाद क्या होगा उसी में अटैच्ड होगा सब। तीन टॉपिक एक संग मिला के हम आपको कराने वाले हैं। ये आर्टिकल का ये भी बड़े काम आने वाला है। ये जो एक दो दिन बाद टॉपिक आपके आने वाले हैं ना, 110% एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, गारंटी है। जिसने पढ़ा उसने अच्छा करा, जिसने नहीं पढ़ा उसने भी बहुत अच्छा करा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो जो कंटेंट हम अभी आपको दे रहे हैं ना, जिन बच्चों ने पढ़ लिया ना, मान के चलो आपके कम से कम 5 से 5 to 10 नंबर पक्के हैं इस PDF से जो हम आपको दे रहे हैं। केवल एग्जाम में जाके टिक करके चले आओगे बिना सोचे समझे, क्योंकि मेरे संग हर तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, बाकी आपकी इच्छा। हाँ, कल सेंचुरी मार लेना। चलो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 20th का? तो करेक्ट आंसर होगा सर USA, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आइएगा, सेक्युलरिज्म मींस क्या होता है? धर्म निरपेक्ष। हम लोगों ने हमेशा सोचता है ये हमारा सेक्युलरिज्म स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है, हम इस पे काम करते हैं। हर एक जितने सारे लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, इस पे भाषण दे देते हैं, स्पीच हम सुनते हैं टीवी में बैठ के। अच्छा, सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है, तो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्युलरिज्म मींस, मतलब क्या समझते हो आप सेक्युलरिज्म वर्ड से, ये बताना है जल्दी से। सुप्रीजम्स ऑल द रिलीजन होता है, फ्रीडम ऑफ द वर्शिप टू द माइनोरिटीज होता है, सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट होता है, या सिस्टम ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड फेथ। करेक्ट आंसर क्या होगा? सिस्टम ऑफ अ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड फेथ, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट है। 21 का सी, स्टडी फ्रेंड्स, वॉइस टू स्टडी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, सेपरेशन ऑफ अ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। वाह वाह वाह, राज्य से धर्म का अलगाव जो होता है सेकुलरिज्म होता है। भाई कहीं और मत करना, इसे बोलना मत, ठीक है, कहीं मत बोलना। नेक्स्ट टॉप, इन अ फेडरल स्टेट, एक संघीय राज्य में स्टेट आर मोर पावरफुल देन द सेंटर। जो स्टेट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं सेंट्रल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल इज अ मोर पावरफुल स्टेट, आराम से पढ़ के आंसर करिएगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फंक्शन, या कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट्स डिविजन ऑफ अ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, सेफगार्ड्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जुडिशियल इलेक्शंस। करेक्ट आंसर क्या होगा? निहारी का आंसर करना बाबू, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्टेट आर मोर पावरफुल देन द सेंटर। किसमें सर? फेडरल स्टेट में, एक संघीय राज्य में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ कहते हैं इंडिया ऑप्ट फॉर अ फेडरल फ्रॉम गवर्नमेंटल बिकॉज, वेरी गुड एवरीबडी, बहुत अच्छा। भारत ने सरकार के संघीय स्वरूप को चुना क्योंकि विशाल क्षेत्र के होते, सांस्कृतिक एकीकरण, भाषा और क्षेत्रीय विविधता, या प्रशासनिक सुविधा। करेक्ट आंसर क्या होगा? अमेरिकन फेडरल। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा सर? 23rd का आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता की वजह से, ऑप्शन नंबर सी। कोई आंसर नहीं दे रहा, सोचो आपका पेपर है। निहारिका वाह, तुसी तो ग्रेट हो जी, वाह सही है, कहाँ जाके आंसर दे रही है, ना इधर ना उधर, सबसे पहले भैया आंसर सही दीजिए। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है सर? पढ़ती है, क्या पढ़ती है सर? वी द पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्ट, इनएक्टेड एंड गिव टू द इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशंस। आई डोंट नो, पीपल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्ट, इनएक्ट एंड गिव टू द इंडियन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजन ऑफ इंडिया एडॉप्ट, इनएक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, या पीपल ऑफ इंडिया।
in our constitution assembly and adopt, enact and give to ourselves this constitutions. Correct answer क्या होगा? ममता ने कहा है सर ऑप्शन नंबर सी होगा, विवेक जी कहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, और कोई भाई वाई टू स्टडी फ्रेंड क्या होगा, सी या डी में डाउट्स है, तो बिल्कुल सही डाउट्स है, ए और बी तो होगा ही नहीं, सी और डी में से ही आंसर होने वाला है। रंजन वेरी गुड मेरे भाई, बहुत अच्छा ग्रेट, अच्छा लगा कि आप लोगों ने आंसर दिया ये चीज़ें, चलो वेरी गुड। ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा सर ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है, निहारिका सी नहीं होगा बाबू, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगेन मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट को आराम से पढ़िएगा और फिर आंसर करिएगा, स्टेटमेंट को आराम से पढ़िएगा और फिर आंसर करिएगा। मैंने हमेशा कहा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा और फिर आंसर करिएगा। ठीक है, समझ में आया, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% नहीं तो 99% तो आते ही हैं, ये डन है, एक दो क्वेश्चन आना ही आना है, तो स्टेटमेंट को आराम से पढ़ो फिर आंसर करो, है ना। स्टेटमेंट क्या है पहले पढ़िएगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे बोला हुआ है कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368। क्वेश्चंस ये कह रहा है, क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? नहीं सर, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी अमेंडमेंट, गलत कह रहा है ये। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर of the constitution can be the amended only if no change in the basis structure is made। option number c हमारे को मिल गया कि सर ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे कह रहा है वर्ड्स के बारे में, कह रहा है कि सोशलिस्ट सेकुलर एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस वर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाई द 42 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या 44th है या 46th है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या नन ऑफ द, इसमें से कोई भी नहीं है। क्या वर्ड्स है ध्यान रखिएगा, सोशलिस्ट सेकुलर्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये दोनों शब्द के बारे में कह रहा है, वर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, 42 अमेंडमेंट हो जाएगा, 44th हो जाएगा, 46th हो जाएगा, या इनमें से सर कोई भी नहीं होने वाला है। करेक्ट आंसर सर क्या होगा आपको ये बताना है, 42 42 नहीं होगा, और कोई बताइएगा, मैंने 42 को कट कर दिया। मैंने 42 कट कर दिया, ये नहीं होगा। वाई टू स्टडी विवेक राजरंजन, वाई टू स्टडी ए को मैंने कट कर दिया, करेक्ट आंसर क्या होगा। चेतन मैंने भी कट कर दिया ए को, करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी लोग तो सही दे रहे हैं, रंजन ने ए दिया था। हे भगवान, मतलब कैसे पढ़े हो, कॉन्फिडेंस रखा करो कि सर ए ही है, हम पढ़े हैं 100% वही है, आप कुछ भी कर लो, ऐसे गलती करोगे। निहारिका वेरी गुड, क्या होगा सर 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं ये देख रहा था कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना नंबर यहाँ पे अपना ऑप्शन जो है वो चेंज करके बदल देंगे, नहीं सर ने कहा है ये सही है। मेरे प्रभु, अगर आपने पढ़ाई करी हुई है तो आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा ना कि नहीं सर यही है, आप गलत बोल रहे हो, हम सही हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कौन लाएगा, हम लाएंगे, आप खुद लाओगे ना कि नहीं हमने पढ़ा है सर यही आंसर होगा, कैसे कह रहे हो। तो 42 करेक्ट आंसर है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी लाओ कि जो हम आंसर दे रहे हैं वो एग्जैक्टली सही है, यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में क्या करेगा, पास आउट कराएगा। जब आप आंसर लगाओगे ना तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ बिल्कुल करेक्ट है 100% एक्यूरेसी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही चीज़ हम देख रहे थे, सब चेंज करते जा रहे हैं, हमने बोल दिया इसलिए हम चेंज कर रहे हैं, वाह सही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पना की गई है यह संविधान का एक हिस्सा रहेगा, स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से निरस्त या मिटाया जा सकता है। नहीं, ऐसा क्यों होगा, क्यों मिटाया जाएगा सर, संविधान के बारे में कुछ भी स्वीकार मान्यता घोषणा नहीं है, संविधान इसकी अलग इकाई, यहाँ बिल्कुल सही है, सेपरेट एंटिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सर, डी करेक्ट होगा।
ठीक है। आएगा चेतन, डोंट वरी। क्वेश्चंस का देखो, मैंने आपको ये चीज़ करके भी दिखाया था कि 2020 का जो मैंने दो पेपर कराए थे, CDS 1 और CDS 2, और फिर हमने कराया 2021 का दोनों पेपर, CDS 1 और CDS 2। तो आपको जब ये दोनों पेपर आपने किया मेरे संग, आपने किया भी है मैं पहचानता हूँ आपको, होली वाले दिन हम लोग दिन भर क्लास चलाए थे, तो आपको पेपर लगा नहीं था कि सर इजी टू मॉडरेट ये भी बनाया है, और इजी टू मॉडरेट हमारे को मिला था क्या सर, इजी टू मॉडरेट हमें मिला था 2021 का। तो तैयार रहो, 2000 जो आप 22 का पेपर देने जा रहे हो ना फिलहाल, अभी CDS 1 का ये पेपर इजी टू मॉडरेट ही होने वाला है, ये डिफिकल्ट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आएगा चेतन, 100% आएगा और कर ले जाओगे। मैं अगेन आप लोग कह रहा हूँ, GS पे फोकस करो, इंग्लिश मैथ्स ये सभी बच्चे यहाँ पे 90% बच्चे ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो ये GS और मैथ, इंग्लिश और मैथ्स अच्छा कर जाएंगे, लेकिन GS में प्रॉब्लम्स क्या आती है, मैथ्स वाले बच्चों को याद नहीं होता GS, ठीक है, साइंस वाले बच्चों को जल्दी GS समझ में नहीं आता, वो परे होता है, इसलिए GS पे फोकस करो। GS में ही करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर के आपके 30 से 35 क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा, उसको सेपरेट कर दो, पहले आप देखो पेपर को, एनालिसिस करो। आपने मेरे संग 2021 का अगर पेपर लगाया होगा, देखा था करंट अफेयर का वेटेज कितना ज़्यादा था, ठीक है, तो सेपरेट करो, और सेपरेट करने के बाद ये देखो कौन सा टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसको कवर करने से हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, वो काम करो। ये नहीं है कि सिर्फ आँख बंद किया और एग्जाम में चले गए और मीठा रसगुल्ला देखा, ब्लैक हो चाहे वाइट हो, रसगुल्ले तो रसगुल्ले होते, खाने से मतलब है। तो बेटा ये CDS एग्जाम है जो कि UPSC पेपर सेट करती है, रसगुल्ला जरूर होता है, लेकिन उस रसगुल्ले में ना सीरा इतना ज़्यादा डाल दिया जाता है कि रसगुल्ले समझ में नहीं आता कि पकड़े तो पकड़े कहाँ से पकड़े, सर हमारा फिंगर चला जा रहा है, ठीक है, तो कोशिश करो ना फिंगर को ना रस, उसमें जो मीठा वाला जो शीरा होता है ना शीरम, उसमें ना ना जाए, अगर उसमें जाएगा तो चिपक जाएगा, फिर तो गीले हो गए तो फिर गड़बड़ हो गए कहानी आपके, ऊपर से उठाने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये तो गड़बड़ होता ही है, ठीक है, तो बड़ा मीठा मीठा बोल के ना UPSC सबकी लेती है, तो थोड़ा संभल के पेपर को पढ़ा करो। मैं हमेशा कहता हूँ स्टेटमेंट पढ़ो, नॉर्मल SSC का पेपर नहीं है, बैंक का पेपर नहीं है, क्या भाई स्टेटमेंट पढ़ा समझ में आ गया, ये GS कर रहे हो, नींद उड़ जाती है लोगों की GS करने में, क्योंकि सेंटेंस ही ऐसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं आपस में, अब वही जल्दी गलतियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी। चलो हाँ, तो बाहर में उसको रखवा लिया जाएगा ना कि बेटा ले आओ, बड़ा अच्छा चीज़ ले आ, ले आओ ले आओ, तुम जाओ हाथ से अपने उठाना खाना, यहाँ पे हम लोग उसका यूज़ करेंगे, तुम आना तो ले लेना, वो भी ऐसे ही कहेगा, इसलिए तो बाहर बैठा दिया जाएगा, गेट पे चार बैठे रहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, प्रस्तावना के अनुसार भारत का सही नामकरण क्या है आपको बताना है। आराम से सोच के चलो, करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर सर क्या होने वाला है 28 का, जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, क्या होगा सर जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत इजी है ये तो, अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे। निहारिका, चेतन आंसर, हाँ रंजन बिल्कुल सही है, विवेक गलत है, आपने गलत दिया हुआ है, सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है क्योंकि, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है क्योंकि, गणराज्य है क्योंकि भाई, देयर इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी, ऐसा होगा कहीं पढ़ा है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, राज्य के मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है, लाइक CM, चीफ मिनिस्टर, किसके द्वारा चूज किए जाते हैं सर, जनता ही तो वोट करती है, अभी पंजाब में की है जनता, UP में की है जनता, UK में की है जनता, गोवा में की है जनता, मणिपुर में की है जनता, ये सब कहाँ पे की है, जनता ही तो की है। वेरी गुड, बी फॉर बॉल, प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस,
हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कंटेन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या लिमिटेशन अपॉन द ग्रांटेड पावर है, या नन ऑफ द एवब होगा। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा, कंटेन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की भावना समाहित है, ऑप्शन नंबर बी, प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड चेतन, बहुत अच्छा। ममता, बहुत अच्छा। नहीं, वाई टू स्टडी फ्रेंड, बिल्कुल गलत है, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई, बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब नॉट, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, अगेन मैं कह रहा हूँ, नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका पार्ट नहीं है, सेकुलरिज्म, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है सर, ये तो सेकुलरिज्म है सर, सोशियम ये भी है सर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सर ये भी है सर, लेकिन फेडरलिज्म जो है ना सर यही पार्ट नहीं है, किसका सर, प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये तीनों पार्ट सर है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड रूपा, बहुत अच्छा। निहारिका, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चेतन, बहुत अच्छा। विवेक, बहुत अच्छा। वाई टू स्टडी, ग्रेट, बहुत अच्छा। वाई टू स्टडी, आपने नाम बड़ा अच्छा रखा है यार, वाई टू स्टडी फ्रेंड्स, वाह सही है। द सोर्स ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी लाई इन द, मतलब कह रहा है कि भारत की संप्रभुता का स्रोत नीत है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीपल ऑफ इंडिया, या प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर किसमें है सर, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आइएगा, हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन विच फॉर्म बेसिस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ऑन 31 दिसंबर 1946। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में भारत के संविधान की प्रस्तावना के आधार पर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, वाई टू स्टडी वर्सिक हूँ, ठीक है बेटा, तब सही आप पहचान गए, चाचू जी ने किया था, चाचा जी ने किया था ना। चलो, आज तो एक चाचा जी गए वापस, आज तो एक चाचा जी वापस गए, पता ही कि नहीं, हमारे पड़ोस के चाचा जी गए, कहानी खत्म। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब का कह सकते हो 30-35 सालों में, 40 सालों में, कि हमारे जो पड़ोसी भाई हैं, कंट्री है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी भी उन्होंने अपना टाइम पीरियड पूरा किया हो, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कई सालों से, ठीक है। तो हमारे जो चाचा जी थे पड़ोस में, वो भी वापस चले गए हैं, अब नए प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, पता ही कि नहीं। हाँ, इमरान चाचा जी वापस गए, फाइनल हो चुका, 100% डिक्लेयर भी हो चुका है, तो अब सिर्फ एक चीज़ें बची हुई है कि फॉर्मली अनाउंसमेंट की, तो वो वापस चले गए हैं, फाइनली ख़त्म हो गई कहानी उनकी। हाँ, मामू जी नहीं, चाचू जी, सही है। हाँ, तो इमरान चाचा जी वापस जा रहे हैं, अब नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है। ये है पाकिस्तान, और लास्ट मोमेंट पर उनको याद किसकी आई, भारत की, ठीक है, कि भारत का जो पॉलिटिकल एक एजेंडा है इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत अच्छा है, भारत अपने देश के पीपल्स, नागरिकों के लिए करता है, ये सब चीज़ें उन्होंने बोल जाते जाते बोलते गए हैं, अपने भावनाओं को स्पष्ट करते हुए गए हैं, उनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। तो इमरान चाचा जी गए, अब नए चाचा जी आने वाले हैं, अब इनको भी देखिएगा नए चाचा जी कैसे होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने में बोला हुआ है, आपको लिस्ट दिया गया है, पहले लिस्ट में बोला गया है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसके सोर्सेज बोले गए हैं, तो जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहाँ से लिए गए हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिए गए हैं, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ से लिए गए हैं, यूनियन और स्टेट, मतलब सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशनशिप है, वो कहाँ से लिया गया है। हाँ, वही 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 मैंने कहा। हाँ, निहारिका बिल्कुल सही बोल रही है। चलो सॉरी, करेक्ट आंसर क्या होगा 34 का,
तो हमारे को तो सर पता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे लिया गया है सर, हमारा साउथ अफ्रीका से लिया गया है सर, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सर हमें पता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेजिडेंट लिया गया है जर्मनी से सर लिया गया है, लास्ट बचा यूनियन स्टेट कहाँ से लिया गया है, कैनेडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है सर, एग्जैक्टली सही है, बी बी फॉर ब्लैक, ग्रेट एवरीबडी, बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा देख के। नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिपब्लिकन बिकॉज इट, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, या सर फ्रांसिसिस है, एडल्ट फ्रांसिसिस है, बिल ऑफ राइट्स है, या क्या सर हेरिडेटरी एलिमेंट्स है। करेक्ट आंसर सर क्या होगा जल्दी से, कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है सर, एग्जाम में आएगा तो हम टच करके आएंगे और अपना नंबर लेंगे, ए नहीं होगा। यहाँ पे बोला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिपब्लिकन बिकॉज इट हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 36 पे कहता है हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, यहाँ पे फिर से आराम से पढ़ के आंसर करना सभी लोग, निहारिका पढ़ के, चेतन पढ़ के, और कौन है रंजन पढ़ के करना, ठीक है, रूपा पढ़ के करना, विवेक पढ़ के करना, वर्षिप पढ़ के करना, हाँ इसका आदत है चेतन का, हमने देखा है जब से ये मेरे क्लास अटेंड कर रहा है ना, जहाँ गलती होगा फटक से डिलीट, अच्छा डिलीट करता है तो ये सोचता है ना कि किसी ने देखा नहीं, पता नहीं है कि पूरी दुनिया ने देख लिया है यहाँ पे ना, बड़ा दिमाग रखा हुआ है, फटक से डिलीट करता है और पूरी दुनिया देख लेती है, विद इन सेकेंड में कॉमेंट्स आ जाता है और पूरी दुनिया देख ली, पूरी दुनिया मतलब क्या हम लोग का जो परिवार है अभी साथ में है सभी ने देख लिया। सुमित पांडे करेक्ट आंसर क्या होगा, अच्छा इससे क्या मिलता है, मतलब मैसेज भेजना और फिर उसको डिलीट करके हटा देना, मतलब एक बार निकल गई तो निकल गई, अब वापस कैसे आएगा अंदर, वो तो देख लिया लोग ना। सी करेक्ट है, सुमित जी कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और कोई बताओ, यहां पे पूछा है द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड विथ, आर्टिकल 39 BD है, 14 है, 25 है, या 23 है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट बोला हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नॉट करेक्ट है, सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड विथ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आर्टिकल 25 लिखा है, गलत यहीं पे कर दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है सर, गलत है, बी नहीं सी है, रूपा ने बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है, बहुत अच्छा रूपा। नेक्स्ट आइएगा, इन इंडिया यहाँ पे कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजन इज अडॉप्टेड फ्रॉम, एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है कहाँ से, अरे यार डुअल भी कर लेते यार, अब डुअल वाले परेशान रहेंगे, एकल वाले तो खुश हैं, नहीं एकल वाले कहेंगे काहे को ले लिया गया सर, है ना, कुछ लोग यहाँ पे होंगे महात्मा मतलब अलग, तो वो सोचते होंगे सर सिंगल कॉन्सेप्ट काहे को आया है सर, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या फ्रांस, जल्दी बताना, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाया गया है कहाँ से, ए सर विवेक, वर्शिप आंसर क्या होगा, वाई टू स्टडी फ्रेंड, बी 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 ऑप्शन, सुमित जी कह रहे हैं बी, रूपा ने कहा है ए, ठीक है और कोई आंसर करिएगा, रूपा बहुत अच्छा आंसर कर रही है, ग्रेट, इंग्लैंड से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है सर, इंग्लैंड से, ममता वेरी गुड, गुड्डी गुड्डी आ गई, वेरी गुड बेटा, यूएसए नहीं बाबू इंग्लैंड से लिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर्स मतलब यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में शामिल है, करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान में क्या शामिल है सर, 390। अब यहाँ पे बच्चे बहुत गलत करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। गुड्डी ने कहा हेलो, अरे बेटा आंसर करो फिर, हेलो भाई तो हम छोड़ेंगे अभी, आप लोग आराम से करना, पहले इसको बताना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना शामिल है क्या क्या क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या शामिल है सर, ध्यान से 395 सर क्या है आर्टिकल है, ये थोड़ा बड़ा हुआ है, 22 सर पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ध्यान रखना, सी नहीं है बेटा, 395 आर्टिकल्स, ध्यान रखना, वेरी गुड निहारिका, वेरी गुड एवरीबडी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आना, विच यहाँ ध्यान रखना, विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है
फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, नंबर वन जब हम आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं तभी समझाए हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वॉज टेकन किस कहां से लिया गया है, यूएसए, कनाडा, अर्थवॉल यूएसएसआर या यूके। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही कराया था, एक्स्ट्रा पढ़ाया था, तो यूएसएसआर करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, गुड डी रूपा, सभी लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे वाह, इतनी अच्छी वाली खुशी आपको हो गई, हमको तो पता ही नहीं था। देखो मम्मी पापा तो नहीं है, इतना डांस कैसे हो जाता है रूम में बैठे बैठे। सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल, इट्स मीन्स एम इज टू, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, इसका मुख्य जो उद्देश्य है, मेन है, वो क्या है? एलिमिनेट इक्वलिटी इन द इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिकल स्टेटस। करेक्ट आंसर क्या होगा? निहारिका, आंसर क्या होगा बेटा? ममता, वाई टू स्टडी, सी, वर्शिप सी होगा बाबू। सुमित पांडे भी कह रहे हैं सी होगा। इसका आंसर क्या होगा 40 वाले का? पांच क्वेश्चन और है, जल्दी से बताओ, कंप्लीट कर ले। निहारिका कह रही है सर ए होगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बेटा बिल्कुल सही है। विच ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है? डी नहीं होगा गुड्डी, गुड्डी डी नहीं होगा बेटा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता को खत्म करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चलेगा। विच ऑफ द पेयर आर करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, करेक्टली मैच्ड है। रिपब्लिक के बारे में कह रहा है, हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी मोनार्च, नहीं सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे सॉवरेन्स के बारे में कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन द पीपल्स विल, संविधान लोगों की इच्छा पर टिका है, हा? बोलो हाँ सर। देखो चेतन कह रहा हाँ, करेक्टली मैच्ड बोला है, मतलब लोगों के इच्छा पर टिका है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आपके इच्छा पर टिका है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हे भगवान। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज लीगल सुप्रीमेंसी ऑफ अनदर कंट्री, बिल्कुल नहीं सर, करेक्टली मैच्ड, ये कहाँ करेक्टली मैच्ड है, संविधान दूसरे देशों की कानूनी सर्वोच्चता को मान्यता नहीं देता है, ऐसा नहीं है सर, मैंने सुना ही नहीं, गलत है ये। स्टेट विथ, ध्यान रखना, सेकुलर मतलब कह रहा है स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, धर्म निरपेक्ष, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही दिख रहा है, वेरी गुड। अब जाके आप लोगों ने आंसर दिया एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसलिए मैं कहता हूँ स्टेटमेंट को पढ़ा करो, मैं चिल्ला रहा हूँ इसलिए चिल्ला रहा हूँ, चलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है, प्रस्तावना कुछ आदर्शों को स्थापित करती है जिन्हें सबसे पहले लिखा गया था, नेहरू रिपोर्ट में लिखा गया था, रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट कराची सेशन। हाँ जी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड अभिनव, बहुत अच्छा आए, बहुत अच्छा लगा, राम राज्य। चलिएगा, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सर, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एवरीबॉडी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्टेड द माइंड एंड द आइडियल्स ऑफ द फॉर्मर्स इज, संविधान का वह भाग जो निर्माताओं के मन और आदर्श को प्रतिबिंब करता है वह है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट्स है, या प्रियम्बल है, या सर सिटीजन है। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो, दो क्वेश्चन और है, कंप्लीट करते हैं सेशन को, क्या होगा जल्दी से? 43 का ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक बार सोच के आराम से आंसर करना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक बार सोच के आराम से आंसर करो, स्टेटमेंट को आराम से पढ़ो। यहाँ पे कह रहा है, संविधान का वह भाग जो निर्माताओं के मन और आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है, वो क्या करता है सर? अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल सोर्सेस पढ़ रहे हैं, तो कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे चले जाओगे आप लोग? निर्देश सिद्धांत होगा या प्रस्तावना होगा, प्रीएम्बल्स होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बी भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा, ओ नहीं मारो मेरे को, मारो, गलत हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान एक संघीय है, फेडरल है? करेक्ट आंसर है क्या होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा,
चलेगा। 44 का आंसर बताना है, अ रिटेन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं सर ये करता ही नहीं। एक लिखित और कठोर संविधान, नहीं सर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नहीं सर। वेस्टिंग ऑफ द रेजिडेंसी पावर ऑफ द सेंटर, नहीं सर। एक ही तो मिल गया, सेंटर एंड स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यही हमारे को डिफाइन करता है फेडरल। ऑप्शन नंबर डी बहुत अच्छा, ग्रेड बी नहीं होगा रूपा, बहुत अच्छा। पूजा बहुत अच्छा, चेतन बहुत अच्छा, रजनीश बहुत अच्छा, गुडली निहारिका वेरी गुड बेटा, ममता चेतन बहुत अच्छा, ग्रेट, ऑप्शन नंबर डी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, अब जल्दी से बताइएगा, सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कल हम लोग दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिग्रेडेड एज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान को माना जाता है फेडरल यूनिटरी पार्लियामेंट्री, फेडरल इन द फॉर्म ऑफ द यूनिटरी एंड स्पीड, मतलब संघीय रूप और भावनाओं का एकात्मक, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड एवरीबॉडी। अब ये बताओ आप सभी लोग कि इतने क्वेश्चंस करने के बाद क्या आपके अंदर एक पॉजिटिव वेव्स आया कि हाँ सर, कि अब हम किस टॉपिक पे सर, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम उसको 100% एक्यूरेसी से करके आएंगे। ये 45 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर इस टॉपिक से आया तो इसके बाहर नहीं बनेगा, एकदम बेफिक्र रहना, ठीक है। और ध्यान रखना, ये करेंट अफेयर बाई रतन सर नया टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर बाई रतन सर, यहीं पे हम आपको पीडीएफ और एवरीथिंग यहाँ पे देंगे। दूसरी बात है, कल की क्लास को मत आप छोड़िएगा, कल की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको सिटीजनशिप, ध्यान रखिएगा, सिटीजनशिप के पूरे 100 क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पे कराने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, और सर राइट्स पे भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो कल के 100 क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा, कल का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और आपके एग्जाम में इससे कम से कम 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, ग्रेट, बहुत अच्छा, ठीक है। लिंक अभी बना नहीं है, लिंक इसी में मिल जाएगा आपको, इसी चैनल पे रूपा, ठीक है। बाय द वे आप इस पे मिल जाना, करंट अफेयर बाय रतन सर पे जुड़ जाइएगा, हम यहीं पे दे देंगे, ठीक है। चलिएगा कल 12 PM पे, कल 12 PM पे, तो आप इस पे जरूर से जुड़ जाइएगा, रतन करंट अफेयर बाय रतन सर टेलीग्राम चैनल पे, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ आज होगा, आज ममता, आज रात में 10 बजे है वो, 10 PM to 11 PM और 11 PM to 12 PM, ये 2 घंटे की क्लास करंट अफेयर की होगी, ठीक है। चलेगा, उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे अपने ध्यान रखेंगे। आइकॉनिक और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो रतन सर की कोड को आप नहीं भूलोगे, प्लस वाले बच्चे भी और आइकॉनिक वाले बच्चे भी इस कोड को नहीं भूलेंगे, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। और थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों को, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरी क्लास में थे। हाँ निहारिका डेली होती है 12 PM पे, ठीक है, और मेरी ऐप पे भी क्लास चलती है बाबू, आ सकते हो। अभी मैंने जो चैनल बताया है उस भी में आप जुड़ सकते हो, या देखो ऊपर लिखा है ना, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम फॉलो रतन कुमार, आप उस पर क्लिक करिएगा, सीधे ऐप में खुलेगा, आप मुझे वहां से फॉलो करके अब क्लियरी क्लास में डेली आ सकती है, ठीक है। चलो गुड्डी बाबू, थैंक यू सो मच बाबू, ममता बाबाई, राधे राधे, आप सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मुलाकात होगी कल दोपहर में 12 बजे, जो बच्चे करंट अफेयर प्रैक्टिस करना चाहते हैं रात में 10 बजे ऐप पे आ सकते हैं, ठीक है, ऐप पे आप मुझसे मिल सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।